लोग की टीम जो कृषि विभाग पढ़लगंज की टीम कृषि विभाग से यहाँ पे कुछ सरसों के फील्ड पे विजिट करने आए हैं और इसके उत्पादन और गुणवत्ता के बारे में जानने के लिए हमारे सामने सर जो कि सहायक विकास अधिकारी कृषि हैं, इनसे कुछ फसल संबंधित जानकारी लिया जाएगा और जो कि किसानों के लिए आने वाले समय में किसान इसका अच्छे से अच्छे उत्पादन ले सके इसके बारे में सर से जानकारी लेते हैं। तो सर ये बताइए कि जैसे चलिए फसल बात होती है और तिलहनी फसल होती है जी, तो जो ये तिलहनी फसल है उसका अच्छे से उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों को कुछ टेक्निकल जानकारी बताएं कि वो अच्छे से अच्छे उत्पादन ले सके। सबसे पहले तो किसान भाइयों मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे यहाँ किसान भाई जो कि तिलहन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमको तिलहन आयात करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे योजनाएँ लॉन्च की, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड में किसानों को 90% अनुदान भी दे रही है सरसों की खेती पर और अन्य जो तिलहनी है उस पर भी अनुदान दे रही है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि हम लोग आज आए हैं सरसों के खेत में, इसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा। किसान भाई क्या करते हैं कि जब भी खेत की बुआई करते हैं तो उनको पहले प्लानिंग बनानी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाई को सुझाव देंगे कि जब भी आप किसी भी प्रकार की खेती करें तो आप अपने दिमाग में एक प्लानिंग बनाएं कि हमको खेती कैसे करना है। जैसे मान लीजिए सरसों की खेती करना है तो उसमें पहले ये प्लानिंग होनी चाहिए हमको कि हमको कौन सी वैरायटी का बीज बोना है और खेत की तैयारी कैसे करना है। तो जो भी हम उत्पादन करते हैं उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका बीज कैसा है। अगर हमारा बीज अच्छा है तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। खेत की तैयारी के समय ही हम किसान भाइयों को रिकमेंड करेंगे कि आप जिप्सम का भी प्रयोग खेत में करें, ताकि जिप्सम आपके खेत में रहेगा तो पौधों में जो सिलकुआ लगेंगे उसमें डॉल होंगे और तेल की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। सरसों में एक यूरेसिक एसिड होता है, उसकी मात्रा को भी वो कम करता है। जब हम बुआई करने जाएं तो बुआई के समय बीज को उपचारित जरूर करें, किसी भी फंजीसाइड से आप बीज का उपचार अवश्य करें। अभी सर एक और बात बताइए कि अभी आपके सामने एक देखिए सरसों का पौधा है जिसमें ब्रांचें बहुत अधिक लगी है और यही इसके बगल में जो एक पौधा है इसमें ब्रांचें एक भी नहीं है, इसके बारे में सर बताइए कि जो कि किसान भाई इससे ज्यादा लाभान्वित हो कि जिसमें ज्यादा ब्रांचें और शाखाएं निकले जिससे कि इसमें सिलकुआ की मात्रा बढ़े। मैं उसी तरह बढ़ रहा था जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये छिटकुआ विधि से बुआई की गई है। तो बुआई के संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सरसों की बुआई करें उसकी लाइन सोइंग करिए, तो का बीज लगाएंगे वो सीड ड्रिल मशीन के द्वारा बुआई किया जाता है, उस हिसाब से बताया जा रहा है। लेकिन किसान भाई अभी उस टेक्निक को नहीं अपना पाए हैं। जैसा कि आपने इस पौधे के बारे में बताया तो आप देख रहे हैं कि इसके अगल बगल एकदम पास पास ही तीन चार और पौधे हैं, तो जो हम इसको यूरिया या पोटाश जो भी डाले हैं इसमें प्रतिस्पर्धा हो गया है सारे पौधों में। और इसकी बात जो कर रहे हैं पौधा जो सुडौल है, इसके अगल बगल कम से कम एक एक फुट की दूरी पर अन्य पौधे हैं। एक विलरीकरण किया जाता है, उसमें होता क्या है कि जो भी सुडौल पौधा है उसको छोड़ करके जितने पतले पतले पौधे या जो एकदम गजीन पौधे हो जाते हैं तो जो कमज़ोर पौधा होता है उसको निकाल करके फेंक दिया जाता है। जब उसको निकाल कर फेंक देंगे उसके बाद जब सिंचाई करेंगे तो जो भी पौधा आपके खेत में बचा रहेगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और उसमें पैदावार भी अच्छी मिल सकती है। उसके बाद जो विलरीकरण में आप जो सरसों निकाले हुए हैं आप चाहें तो उसको मार्केट में अच्छे दाम पर बेच कर भी कुछ आप लाभ कमा सकते हैं। सर किसान भाइयों को एक बात ये बताने की कोशिश करें कि वो लोग इस चीज़ को जाने कि जैसे कि अभी बताएं कि जैसे कि इस दूरी को मेंटेन करके किसान बोएं तो ज़्यादा उत्पादन मिलता है जी, लेकिन बहुत से किसान छिटकाव विधि से एक साथ बो देते हैं जहाँ की ज़्यादा संख्या में पौधे होते हैं, तो इस चीज़ को बताएं कि इस चीज़ को हटाकर दूसरी जगह लगाने से उनको क्या फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, दूसरे जगह लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में बीज आप डाल दिए हैं, अगर दूसरे जगह निकाल करके लगाते हैं तो पौधा वो भी पकड़ेगा, लेकिन जहाँ पौधे नहीं हैं वहाँ उसको लगाइए तो लाभ मिलेगा। लेकिन ये प्रक्रिया आपको सिंचाई के समय करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा जी।
और किसान भाइयों को हमारे इसके बारे में बताइए सर कि जैसे कि वो अपने खेत में जिप्सम और सल्फर का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और उसको डालने के जैसे कि किसानों को हम रिकमेंड करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सल्फर का प्रयोग करें, लेकिन सल्फर न लेते हैं ना जिप्सम लेते हैं और इसी तरह बुआई कर देते हैं, तो किसान भाइयों को इसके बारे में बताइए कि सल्फर और जिप्सम डालने से इसके उत्पादन में क्या फर्क पड़ सकता है। देखिए जो जिप्सम होता है, जिप्सम एक भूमि सुधारक भी है जी, तो जो हमारे मृदा की बनावट होती है उसमें अगर सोडियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे क्षार हम जिसको कहते हैं, तो जब हम जिप्सम खेतों में डालते हैं ना तो जो क्षार होता है उसको खत्म कर देता है और आपकी मृदा की रासायनिक और भौतिक दशा दोनों को सुधार देता है। साथ ही साथ उसमें कैल्शियम पाया जाता है, जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर दोनों पाया जाता है। इसका मेन काम है कि पौधे में जो दाने बनते हैं उसको सुडौल चमकदार। देखिए किसान भाई, हमारे सर ने बहुत अच्छा जवाब दिए, कि बहुत से किसान जो कि जिप्सम का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा, इनका परिचय ले लीजिए, खेत में इनका परिचय ले लीजिए, इनका प्रयोग करके तेल के उत्पादन में अच्छी वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि अभी अभी एक किसान हम लोग के बीच में आए हैं, यही इनसे भी कुछ बात करेंगे हम कि आप बीज कहाँ से लाएंगे चाचा जी आप? और वही के घर से ले लिए हम। जी जी, जिनका खेत है। हाँ, तो आपको खेत देख करके खुशी महसूस हो रही है? अब क्या कहेगा, पहले मतलब अच्छा है कि नहीं है? खुशी बचले बचे। जी जी, वही हम लोग देखने आए थे कि आप किस तरह से बुआई किए हैं, हम लोग वही देखने के लिए आए थे। आपको हम एक और सजेशन देना चाहते हैं कि अगली बार से जब आप बोएंगे तो इसमें एक काम करिएगा कि जो भी छोटे छोटे पौधे बच जा रहे हैं इसमें, हाँ, जैसे ये बड़ा हुआ है, हाँ, एक बीच में छोटा पौधा है, हाँ, उस छोटे पौधों को आप निकाल दीजिए। अच्छा। उससे क्या होगा, जब इसमें ब्रांचिंग निकलेगी, कल्ले निकलेंगे, ब्रांच निकलेंगे, उसको फैलने के लिए जगह मिलेगा। अब मान लीजिए जब एकदम गछिन हो जाएगा तो ब्रांच जो निकलेगा एक दूसरे में सट जाएगा, ठीक है ना, तो वो जो दाना बनेगा वो दाना अच्छे से नहीं बनेगा। एक और उसका फायदा है, जो आपके खेत में पोषक तत्व है, खाद्य पदार्थ है, तो जो हाँ मान लीजिए चार लोगों के खाने के लिए है, अब आप 10 लोग खाने के लिए आ जाएंगे तो कम पड़ेगा ना। तो जब ज़्यादा आप गजिन कर देंगे तो पोषक तत्व सारे पौधों को अच्छे तरह से नहीं मिल पाएगा और वृद्धि और विकास उनका रुक जाएगा, ठीक ना, यही हम लोग समझा रहे हैं आपको। तो आगे अभी हम इसी खेती के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, अभी हम लोग इस पर काफी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दिवाकर जी, कहाँ नाम पड़ी आपका? रामगति सर। रामगति, कहाँ घर पड़ी आपका? बस यही जाएगा। अच्छा, संतोषन बगल। ये कैसे जन बाटे, कैसे कैसे अगर खेती जन बाजे से सरसों का जन खेती कर गेल बा, ये स्थिति में यहाँ तक आ गेल बा, तो शुरुआत में कैसे जन बाटे, कर बुआई से पहले का का कर लेने खेते के? बुआई के लिए जुता धरे नहीं पहले। अच्छा, कौन है जन बाटे? हैरो से। अच्छा, हैरो से। हैरो से जुता, फिर इससे जुतौले रहने रोटावेटर से। रोटावेटर से ओकरे बोलनो फरवा से के वो ओली। हां जी जी, तो जुतौले के बाद जन बाटे ओकर बाद फिर बिया जगर खेत रलों के यहाँ से लेनी। हाँ, ओकरे अलावा का का डाल रहनी है? इसमें डाई रहल है, पोटाश। डाई केना डाल रहल है? 18 किलो। खेत कितना ही बाटे ही आपका? 10-20 खेत बाटे, तो उनमें डाई 18 किलो डाली, और का डाल रहल है? कुल मिला के 18 किलो। हाँ, मतलब डाई 18 किलो, और कोनो खाद डाल रहल है? उसमें पोटाशो सब रहल है। अच्छा, पोटाश यूरिया रहल है, पोटाशो डाल रहनी नहीं? ऐसा बाटे कि जैसे जौन गेहूं में जौन हिसाब से जौन बाटे डालल जाला, जैसे बतावल गेल बा कि एक हेक्टेयर में नाइट्रोजन जौन बाटे 120 किलो रहे के चाही, पोटास फास्फोरस जौन बा 60 किलो रहे के चाही, पोटास जौन बाटे 40 किलो रहे के चाही, सल्फर 60 किलो रहे के चाही, ओ रेशियो के अनुसार से जैसे खेत जितना कम होत जाइए वैसे खाद के मात्रा कम कर दल जाए, ठीक है, ओकरे अनुसार से जब खेत में जब खाद डालल जाए आ ओकरे अलावा जौन बुआई कर जला, तो बुआई का तरीका लाइन से कर जाए, तो ऐसे जन बटे उपज का आपको और बढ़ी। आ जैसे लाइन में जन बटे जैसे मान ली पौधा से पौधा का दूरी कितना रहे के चाहिए, आ एक एक लाइन से दूसरे लाइन का दूरी कितना रहे के चाहिए, जब वो लाइन से या पौधा के दूरी की जब मेंटेन रही तो जो सूर्य का प्रकाश मिला तटे वही के सूर्य के प्रकाश से जब जब पौधा जो बाटे जमीन के अंदर से खाना लेला तो खाना पकावे ना सूर्य जी,
तो जब खाना पकी तो जौन बाटे यहाँ से फिर जब पूरे ओकरे जौन बाटे जितना भाग बाटे सब में पहुँची तो ओकर विकास और तेजी से हुई और अपन उपज जौन बाटे अधिक बढ़े। एक बात जौन बाटे जब आप बुआई कैली हैं तो बुआई के कितना दिन बाद सिंचाई कैली हैं? एक महीना बाद एक बार कैली हैं सीना रहा तो ओकरे बाद जौन बाटे खाद अरे जौन बाटे एक खेतवा में जौन बाटे उठी खर पतवार रल हुई सल्फर सल्फर मारल गई तो सल्फर मरले से का फायदा होला जैसे जो दाना देखल जात बहुत दाना पिचकल अतरल हो जब सल्फर जब मराई तो दाना सुडौल हो तेल का मात्रा जब पकी जाए तो तेल का मात्रा में अधिक हो तो ऐसे सल्फर जरूर जन बा खेते में डायरेक्ट चाहिए ओकर जन पूर्ति जन बाटे बीज गोदाम पर जाल जाए जो राजकीय कृषि बीज भंडार है तो वहाँ जीप हाँ हाँ तो जिप्सम जैसे वहाँ जिप्सम भी मिलेला तो जिप्सम जन बाटे 90% अनुदान पर मिली ओके लिया के जब इमें खेते में डाल जाए तो उससे जन बाटे सल्फर का पूर्ति हुई आ साथे साथे उसे कैल्शियम मिलेला कैल्शियम का करेला कि जो शरीर जो खेत का दशा बाटे अगर मान लो खेत खराब होता कैल्शियम पड़े तो खेत जो बाटे ओकर जो बाटे दशा ठीक हुई तो ऐसे ऐसे अब अपन खेती का तरीका जब बदलावल जाए तो उत्पादन जो बहुत तेजी से बढ़े ठीक है ना। अभी अभी देखिए किसान भाई की मौसम मौसम बहुत ठंड लिए हुआ है और बदला भी बारिश पड़ जाएगा तो इस समय माहू का प्रकोप इसमें होने लगेगा तो माहू के प्रकोप से कैसे बचा जाए सर आपको बताएंगे। अच्छा, सर इसके बारे में बताइए कि किसानों को सरसों आपने जो अच्छा सवाल किया है कि इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है जब आसमान में बादल छाए रहते हैं यानी कि बदली हुआ रहता है तो उस समय माहू का प्रकोप ज्यादा होता है ठीक। तो ये क्या करता है जब आपके माहू खेत में लग जाएंगे तो जो भी ये डंठल है ये तना है और ये सिलकुआ है इसको सिलकुआ बोलते हैं इसके ऊपर लग जाएंगे और पूरी तरह से इसका रस को चूस जाएंगे और जब रस चूस लेंगे तो कुछ बचेगा नहीं ना आपके जो भी फली लग रही है दाना नहीं बनेगा ठीक। तो उसके उपाय पहले से भी करना पड़ेगा जैसे आप खेत को अपने हमेशा देखते रहिएगा हर दिन आकर के देखिएगा कहीं एक दो माहू तो नहीं दिख रहा है अगर आपको हाँ तो मतलब पौधों को देखता रहिएगा कि कहीं कोई माहू तो नहीं दिख रहा है वो हरे रंग का रहता है बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा ठीक ना। वो हरा चिपका रहेगा तो आपको दिखेंगे तो पता नहीं चलेगा दूर से तो नज़दीक आएंगे और उसको ऐसे उठा करके देखिएगा 5-7 जगह देखिएगा कि कहीं कीट तो नहीं दिख रहा है। अगर कहीं आपको कीट दिख रहा है तो एक काम करिएगा पहले आप डायरेक्ट दवा मत छिड़किएगा। माहू ऐसा होता है कि माहू आपके खेत में लग गया है तो केवल साधारण पानी का छिड़काव कर देंगे। अगर जब छिड़काव करेंगे पानी का तो माहू सादा पानी तो माहू का कीट जो है पानी को सोख करके और फूल जाएगा। जब फूलेगा तो उसका शरीर फट जाएगा वो सही मर जाएगा। जब आपको लगेगा कि नहीं एक पौधे में कम से कम 10-15 दिख रहा है कीड़ा तब आप दवा का प्रयोग करेंगे। दवा हमारे राजकीय कृषि बीज भंडार पर उपलब्ध है इंसेक्टिसाइड तब उसका प्रयोग करेंगे। 2-4 दिख रहे हैं तो सजग हो जाइएगा। एक आता है नीम आयल यानी कि नीम का तेल आता है वो क्या होता है कि माहू के आक्रमण से पहले ही उसका छिड़काव कर देंगे तो माहू आ ही नहीं पाएगा। इतना बढ़िया काम करता है। अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप घर पर भी कीटनाशक दवा बना सकते हैं जैसे आप सुरती खाते ही होंगे कुछ नहीं खाते बहुत अच्छी बात है। तो आप जो सुरती बेचने वाले हैं उनके पास जाएंगे तो देखेंगे कि सुरती को काट करके बेचते हैं और उसकी डंठल को किनारे रख देते हैं। उस डंठल को ले आइए ठीक और छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। एक मिट्टी का या प्लास्टिक का बर्तन ले लीजिए जिसका पतला मुँह हो उसमें डाल दीजिए पानी डाल दीजिए। उसमें घर में जो देखते हैं कि जो जब किचन में जाते हैं तो सड़ा हुआ मिर्चा मिलता है लहसुन होता है ये सड़ा होता है ना उसको उसी में डाल दीजिए। हाँ उसी में डाल दीजिए वाला जन पनिया रहे उसी में डाल दीजिए कुछ वाके और मदार देखे हैं मदार हाँ तो मदार की पत्ती मिल जाएगी जड़ मिल जाएगी तना मिल जाएगा उसको भी काट करके उसी में डाल दीजिए। नीम की पत्ती मिलेगी छाल मिलेगी उसको भी उसी में डाल दीजिए और उसको बांध दीजिए सड़ने दीजिए 15-20 दिन तक ठीक।
जब वो सड़ जाएगा तो उसको छान लीजिए और छान करके उसकी 100 ml मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके आप पूरे खेत में छिड़काव कर दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई कीट नहीं लगेगा। ये जैविक है, पूर्णतः जैविक रहेगा, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा और पूर्ण तरह से वो कीट से बच भी जाएगा। अरे सुनिए मैं क्यों कह रहा हूँ, जैविक तरफ ये इसलिए हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कि तमाम तरह की बीमारियां आज हो रही हैं। बीमारियां जब क्यों हो रही है, जब हम फसलों में रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अंश इसमें भी जाता है और जब इसको हम खाते हैं तो वही दवा का प्रभाव हमारे किडनी, लीवर, ब्लड, हर सिस्टम पर पड़ रहा है जो कि तमाम प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो हम लोगों की मानसा यही है, सरकार की भी मानसा यही है कि हम कीटनाशक दवाओं का, रासायनिक दवाओं का प्रयोग धीरे धीरे कम करें। आप जानते हैं, आपकी उम्र उतनी हो गई है कि आप देखते होंगे हर चीज कि 1966 के पहले कोई यूरिया डाई पोटास नहीं डालता था, तो उस समय लोग वैसे ही केवल गोबर की खाद डालकर खेती करते थे तो कितने स्वस्थ होते थे और आपका जो भी पैदावार होता था वो जैविक होता था, कोई बीमारियां नहीं थी। आज देख रहे हैं कि कितनी बीमारियां बढ़ गई है, तो हमको उन सब बीमारियों से बचने के लिए जैविक की तरफ आना पड़ेगा। इस नाते हम कह रहे हैं कि घर पे बनाइए, अगर आप चाहते हैं कि हम भूल जा रहे हैं तो आप कृषि रक्षा इकाई पर आइएगा, हमको पूछिएगा कि हम कहाँ हैं, या किसी भी कर्मचारी से पूछेंगे कि हमको बता दीजिए जैविक वाला, वो आपको कागज पर लिख करके दे देगा और लाइएगा घर पे बना लीजिएगा, ठीक ना, इस तरह से वो बन जाए। साथ ही साथ एक और उपाय करे एक बार, जैसे मान लें तो कुछ दर दवाई वाला हिसाब किताब हो गए, एक अलावा जैसे जब देखा जाए जब कम मात्रा में बाणों कुल माहौल लागल तो का कहिए 8-10 डंडा जन बाटे मने कॉइन टाइप को कहके आयन पियर का जन कागज होला कि पियर का कागज वो पता नहीं मोटा रहे कागज उसमें जानते हैं मिश्रा जी, अपने यहाँ एक येलो ट्रेप आया है, ब्लू ट्रेप आया है, तो वो जानते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब आप बुआई किए होते हैं तो अभी फसलों में फूल नहीं आए होते हैं, उस समय भी आक्रमण करते हैं माहू, तो उस समय क्या होता है जो इसकी मेन कली है उसी को खा जाते हैं, तो ये इनफ्लोरिसेंस यानी क्रम ही नहीं बनेगा तो नहीं आता। उस समय क्या करना चाहिए कि जो वो येलो ब्लू ट्रैप है उसको खेत में 5-7 जगह आप डंडा में बांध कर लटका देंगे तो माहू के अंदर ये नेचर होता है, प्रकृति ने बनाया है, वो पीला चीज को देख करके उसके तरफ भागेगा, भागेगा यानी पीला फूल है देखेगा, वो पीला फूल है तो फूल समझ के उधर भागेगा और उस पर लगा हुआ है गूंद, गूंद पर जाकर चिपक जाए। वो प्रक्रियाएं कब है, फूल आने से पहले करेंगे तो सक्सेस है। अभी समय मान लीजिए पूरा पीला ही पीला है तो उसको सब पीला दिखेगा तो उतना सावधान नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन इस साल का मौसम सरसों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है, गुड कंडीशन में है, आपकी फसल भी बहुत अच्छी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आपकी पैदावार भी बहुत अच्छी होगी, बस एक माहू को ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप जो बाटे वहाँ से बीया तो कितना बढ़िया बा, आए साहब तो होने देखा है जन बाटे के जन बोले बाबू देखिए जन बाटे ठो हो सर तो बा, अब देखा जाए जन बाटे यहाँ में वहाँ में कितना अंतर बाटे, तो ऐसे जन बाटे हमन का ये सुझाव रहे कि जन बीज जन बाटे बीज भंडार से ही ले ही सब जन बाटे तो बढ़िया उत्पादन हो। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं एक किसान भाई जो टाइमली सारा चीज लगाए हैं तो इनका पैदावार बहुत ही अच्छा हुआ है, और इसी के बगल में एक खेत है जो सारा खाद वही डालने के बाद टाइमली नहीं सोइंग किए हैं और बीज अलग वैरायटी की लगी है तो उनकी पैदावार उतनी अच्छी होने की संभावना नहीं है, और इसका पौधा भी जो है बहुत अभी छोटा है और स्वस्थ नहीं दिख रहा है। और वो बिना डिमास्टेशन वाला है तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रांची कृषि बीज भंडार का बीज था और बगल में ये खाद अभी मनीष जी ने आपको दिखाया है, दोनों में कितना अंतर है। तो इस तरह से आप एक वैज्ञानिक विधि से खेती करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम आपसे यही आशा करते हैं कि अपनी फसल का देख रेख अच्छे से करें, माहौल न लगने पाए। मान लें अगर माहौल एक समय लगी तो दवाई नहीं,
देखिए अभी वही कह रहे हैं, उसी लिए कहे हैं कि आप हमेशा इसको देखते रहिएगा, एक दो दिखेगा तो तुरंत पानी का छिड़काव कर दीजिएगा, अगर लगता है कि नहीं बढ़ रहा है तो आप दवा का ऑन द स्पॉट यानी कि लेट नहीं करना है, दवा का स्प्रे कर देना है, ठीक ना। हाँ तो माहू काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और किसान भाई आपका भी जो हमारे इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए हैं।